जबरदस्त भाई, जडेजा ऑन फायर भाई, क्या बॉलिंग है आज की। बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। तो मैक्सवेल भाई, ग्रीन भाई, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, आप तो पूरा अरसा आईपीएल खेलते हो, आपने तो इन बॉलर्स को खेला हुआ है, थोड़ा सा खेल लेते, 230-240 कर देते। इतना घबरा रहा है पाकिस्तानी क्या भाई, 14 अक्टूबर को कैसे सामना करेंगे अब्बा जी से। अब्बा जी के जितने भी प्लेयर हैं सब के सब फॉर्म में है भाई, हर एक बॉलर जो है वो बारी पड़ रहा है सामने वाली टीम पर। जडेजा का जादू चलता है, जडेजा बताता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जडेजा क्या चीज है। लेकिन स्पिनर्स जडेजा, जडेजा पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि भाई जडेजा परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहा, ना ही गेंद से ना ही बल्ले से, और काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन आपके सामने रिजल्ट, उसने एक ही ओवर में इनकी बैकबोन तोड़ दी और ऊपर नीचे आउट जो किए स्मिथ और लबुशेन। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी, स्पिनर्स के लिए, जिसकी वजह से तीन स्पिनर्स खिलाए गए हैं। ओ, अगर यही बॉलिंग रही तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, अगर यही स्पिनर्स रहे तो वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे। हमें उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा, एक आता तो इंडिया मैच हारेगा ना अपना ऑस्ट्रेलिया के हाथों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो वैसे ही हाथ पांव फूल गए। जडेजा को लोग कहते थे खिलाया ही क्यों है, तो ये देख ले जडेजा क्या है, 10 ओवर 2 मेड इन 28 रन, 3 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर है जडेजा। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय जारी वर्ल्ड कप 2023 में आज चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे अपने पहले मुकाबले में भारतीय स्पिनरों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके बल्लेबाजों की हवा निकालते हुए 200 का आंकड़ा छूने से भी वंचित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद कंगारुओं की शुरुआत तीसरे ही ओवर में बिगड़ गई, जब उसके ओपनर मिचेल मार्श 0 बनाकर बिना कोई खाता खोले ही बुमराह की गेंद पर स्लिप में कोहली के हाथों लपके गए। यहां से डेविड वार्नर ने 41 रन बनाकर और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने 46 की धीमी पिच पर दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। लेकिन कुलदीप यादव ने वार्नर को अपनी गेंद पर लपका तो यहां से भारतीय स्पिनरों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाना शुरू कर दिए। कुलदीप, अश्विन और जडेजा ने मिलकर वार्नर के बाद अगले 5 विकेट लिए। वास्तव में कंगारुओं को 200 का आंकड़ा छूने के भी लाले पड़ गए। हालांकि पुछल्ले बल्लेबाजों जिसमें मिचेल स्टार्क ने अच्छी कोशिश की और 28 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सुई 49.3 ओवरों में 199 रन पर अटक गई। जडेजा ने 3 तो कुलदीप और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। वहीं सिराज, हार्दिक और अश्विन के हिस्से में 1 विकेट आया। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। इनका तो पाकिस्तान वाला हाल है, हम समझे ऑस्ट्रेलिया पता नहीं बहुत ऊपर वाली अच्छी टीम होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ये तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल ही रहा है। जिस तरह ये आउट होकर जा रहे हैं, माना कि बॉलिंग बड़ी खतरनाक थी, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, लेकिन यकीन करें कि आखिर इन्होंने किया है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है मैक्सवेल के ऊपर, कैमरून ग्रीन के ऊपर, के खड़े रहते, पता है कि जडेजा का बॉल इतना टर्न कर रहा है, पता है कि कुलदीप का बॉल बड़ा अच्छा हो रहा है, अश्विन का बॉल अच्छा हो रहा है, तो भाई रिस्पेक्ट दे दो ना। जब मिचेल स्टार्क एंड तक खेल गया, रन्स कर गया, आपकी मुश्किल से उसने रन्स 199 करवा दिए, तो मैक्सवेल भाई, ग्रीन भाई, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, आप तो पूरा अरसा आईपीएल खेलते हो, आपने तो इन बॉलर्स को खेला हुआ है, थोड़ा सा खेल लेते, 230-240 कर देते, लेकिन नहीं, इंतहाई गंदी इमेच्योर बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने। स्मिथ और वार्नर बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे थे, उसके बाद से डोमिनेट किया है, और इस पिच के अंदर मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से ओवर गुजर रहे थे, बॉलिंग और खतरनाक होती जा रही थी। अश्विन से शुरुआत करें, अश्विन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद फिर कुलदीप यादव आए, वार्नर को आउट किया, लेकिन असल बॉलिंग करते हैं जडेजा, जडेजा का जादू चलता है, जडेजा बताता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जडेजा क्या चीज है, इस वर्ल्ड कप के अंदर जडेजा क्या चीज है। मेरे साथ अब्दुल्ला भाई, रिजवान भाई, रुहेल भाई हैं, ओ अगर यही बॉलिंग रही तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, अगर यही स्पिनर्स रहे तो वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे। हमें उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा, एक आता तो इंडिया मैच हारेगा ना अपना ऑस्ट्रेलिया के हाथों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो वैसे ही हाथ पांव फूल गए हैं। ये इनकी परफॉर्मेंस देख के तो मुझे तो गुस्सा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस यार, वो तो आपने प्रेडिक्ट किया था ना ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए नहीं, फिर भी ये कोई परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया की। देखे जो है ना, हकीकत, हकीकत का सामना हमें करना सीखना चाहिए। हमने पहले ही दिन कहा था कि जो टीम इंडिया को हराना इस टूर्नामेंट के अंदर, कोई अगर किसी की लक काम कर जाए या इंडिया का बैड लक हो तो ही हरा सकता है, अदरवाइज इंडिया की टीम ने साबित 99 199 99
199 तो 199 पे जाके आउट हो गया। वो मैंने टाइटल में जल्दी में 191 चेंज कर दिया, इससे पहले कि आप उसी तरफ ही सारा फोकस रखे। हाँ। तो आप 199 रन्स ही हैं, वो ठीक कर दिया मैंने। तो देखें एंड पे जो स्टार के रन्स हैं काफी वाइटल रन्स हैं, और थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर हो गया इनिंग्स का, 28 रन्स नीचे आके उसने किए हैं। और देखें कोई भी हमारे इवन के टेल एंडर हो, उनको इतनी अकल नहीं होती, वो कहते हैं जी चलो ठीक है, जब बाकी गए हम भी चले जाएं। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग खेल के गया, और वहां पे जरूरत थी कि आखिरी ओवरों तक खींच के लेके जाएं, सिंगल डबल आउट बाउंड्री चौका, बीच में एक छक्का भी मारा, ही वॉज गुड। लेकिन स्पिनर्स जडेजा पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था कि भाई जडेजा परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहा, ना ही गेंद से ना ही बल्ले से, और काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन आपके सामने रिजल्ट, उसने एक ही ओवर में इनकी बैकबोन तोड़ दी, और ऊपर नीचे आउट जो किए स्मिथ और लबुशेन। स्मिथ को कैसा, मतलब उसने डिसीव करके आउट किया, ऑफ स्टंप बाबर को पड़ा था कुलदीप, ऑफ स्टंप का बिल्कुल ऊपर बीट कराया, और वहां पे जाके गेंद लगी, और लबुशेन को भी एज बिल्कुल फेंट सा हल्का सा था एज था, और रिव्यू भी जाया किया उसने, और ही वाज अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग किया है कुलदीप। चलो ठीक है, आप इतने रन पे एक्सपेंसिव तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन अश्विन वंस अगेन सीनियर कंपेनर, ही वाज अमेजिंग। ऊपर से बुमराह, और फिर बाकी ये जो स्पिन बॉलर्स हैं, इन्होंने कोई ज्यादा बहुत ज्यादा खुल के रन और शॉर्ट्स खेलने नहीं दिए ऑस्ट्रेलिया को। 199 रन हैं ओवरऑल, जिस तरह भी यहां तक पहुंचे हैं, 200 रन का अब टारगेट है, और 200 रन बिलो पार हैं ऑन दिस पिच। काफी लोग कह रहे हैं कि जी यहां से भी मैच फंसेगा, तो देखिए अगर यहां से भी आपने फंसा के या बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो फिर फायदा क्या, 200 भी आप इंडिया की टीम यहां पे नहीं करेगी। और एक ही उनके पास मेन स्पिन बॉलर उनका जांपा ही है, वी नो मैक्सवेल इज देयर बट ही इज अ पार्ट टाइमर, तो इस पर डिटेल पर जरा बात होगी। मेरे ख्याल में इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हाफ वे में 200 के नीचे ही रोक लिया टेक्निकली, एक रन का साइकोलॉजिकल भी बड़ा एडवांटेज होता है, तो पूरे 200 अब इंडिया को करने हैं। बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब, नाउ इट इज अप टू द बैट्समैन, दे शुड विन दिस मैच एंड रजिस्टर विक्ट्री। जी मोहसिन भाई, तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इंडिया की शानदार बॉलिंग देखने के बाद। आपकी राय में क्या टीम इंडिया इस स्कोर को चेज कर पाएगी या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।